गोड्डा जिला के रहने वाले राकेश कुमार उम्र 18 वर्ष पिता रामकृष्णा दे जो कि गंगटा काली मंदिर के पास के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि दोपहर तकरीबन 12 बजे वो कारगिल चौक दवाई दुकान जा रहे थे, तभी उनकी एक महिला मित्र उन्हें महिला कॉलेज गोड्डा के समीप दिखी और महिला मित्र ने उनसे सिकटिया तक छोड़ देने की बात कही। राकेश अपनी महिला मित्र को सिकटिया के तरफ छोड़ने जा रहे थे लेकिन तभी उन्हें रास्ते में अपने बाइक का पीछा करते हुए कुछ बाइक सवार दिखे। राकेश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो बताते हैं कि पीछे उनके एक पुराना दुश्मन जिनका नाम बाबुल सिंह बताया जा रहा है, वह दूसरी मोटरसाइकिल से उनका पीछा कर रहे थे और उनके हाथ में एक पिस्तौल भी था। राकेश बताते हैं कि हाथ में पिस्तौल देख वह घबरा गए और उनकी गाड़ी उसी डर के कारण अनियंत्रित होकर सिकटिया के समीप ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना देख आसपास के कुछ लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को उठाकर सदर अस्पताल लाया गया। पीड़ित राकेश कुमार बताते हैं कि उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि बाबुल सिंह जिनका नाम बताया जा रहा है उनके ऊपर पूर्व में भी कुछ आपराधिक गतिविधि में केस दर्ज है। हालांकि मामला जांच का है और जांच में ही पता चलेगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर इन बातों में सच्चाई है तो खुलेआम एक युवक पिस्तौल लहराते सड़कों पर चल रहा है जो कि काफी चिंता का विषय है। कैसे हुआ घटना? ये हुआ, बाबुल सिंह पीछे कर रहा था, बोला इसको अगर पकड़ लेंगे तो गोली से मार देंगे, तो उसी के लिए हम जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तो उसको हम पीछे मोड़ के देखे तो आगे लग गया। मतलब पहले से मारना चाहता है। कौन मारना चाहता? बाबुल सिंह। कहाँ का रहने वाला? वो शांति नगर का। आप कहाँ करने वाला? नाम घंटा का। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। वो सामान निकाला था मतलब मारने के लिए, तो वो लोड करते करते हम लोग भागने की कोशिश किए तो पीछे धक्का लग गया और पीछे से आके धक्का मार दिया। मेरा नाम PSI अमित अभिषेक, गोडानगर थाना से आया हूँ। सदर अस्पताल से एक RTA का केस गया था जिसके कि फर्द बयान के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर आने से पता चला कि राकेश कुमार दास जिनका कि एक्सीडेंट हुआ है वो अपनी एक दोस्त अलका कुमारी के साथ गोड्डा नगर महिला विश्वविद्यालय के पास से सिकटिया की ओर जा रहे थे और उसी दौरान राकेश कुमार का कोई पुराना दुश्मन जो कि इनका पीछा कर रहा था दूसरे मोटरसाइकिल से, और इसी डर से वो तेजी से मोटरसाइकिल को चला रहे थे और जिसमें कि इनकी ये एक्सीडेंट हुई है करीब सिकटिया के पास। क्या नाम है उसका जो पीछा कर रहा? जो पीछा कर रहा था उसका नाम इन्होंने बाबुल बताया है। बाबुल के बारे में इसने बताया कि उसका पुराना केस गोड्डा नगर थाना में दर्ज भी है और इससे वो बहुत तरह का गलत काम कराना चाहता है जिसके वजह से इन दोनों के बीच में दुश्मनी है। आज वो अपने मोटरसाइकिल से राकेश कुमार का पीछा कर रहा था जिस पर कि दो लोग और भी थे और उसमें ये इनके द्वारा बताया गया है कि पिस्टल दिखाया गया है।